है यार। हाँ यार क्या ले आया? कुत्ते का घूल है यार, बताओ दे निकाल के। क्या कह रहा है यार, हमको ऐसे ही पूछ रहे हैं। चले जाओ यहाँ से यार। इतना काय कर मारो यार, कोई तो लंगर है, देख चल के हैं। देख रहे जा, तेरा कोई ना कोई हर बार रिश्ता तोड़वा देता है, अगर इस बार टूट गया तो तू रड़ुआ ही मरेगा, रड़ुआ। अरे बाबूजी तुम टेंशन मत लो, इस बार रिश्ता पक्का ही होके रहेगा, बस तुम उन्हें आने दो। अल्लाह के करम से कोई चीज की कमी नहीं है इनके पास। अच्छा बढ़िया, तो बढ़िया, चार चार तो ट्रैक्टर हैं। चार नहीं बिच पे भैया, पांच। लो एक और ले लिया, पांच पांच हैं अब। अच्छी बात है, 50 बीघे तो जमीन है इनके पास में। अच्छा, उसमें खेती करते हैं, और दो दो तो इंजन है। यकीन ना हो तो कागज दिलवा दूं। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस आपके भरोसे आए, कागजों की क्या जरूरत है। बाकी घेर और तो तुम देख ही रहो इनका। हाँ घेर तो काफी बड़ा है आपका। बाकी तुम इनका घर देखोगे ना, टाइल लगा के पूरा घर चमका रखा है, मक्खी रपटती है मक्खी। अरे ना क्या बात कर रहे हो। हाँ सच बता रहे हैं, मक्खी रपटती है मक्खी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी बच्चा लड़का तुम सामने बैठा, तुम्हारे जो भी बात कर दी हमने कर लो तुम। और सुनाओ बेटा, पढ़ा पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, बाकी पुलिस का फॉर्म भर दिया हमने। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ बाकी बाबूजी के साथ लगे रहते हैं हम खेतीबाड़ी में। ये तो बहुत खुशी की बात है, बेटा बाप के साथ काम करवाता है। आजकल करवाता कौन है बाप के साथ। वैसे बेटा तुम्हारी लंबाई तो बहुत अच्छी है, हो जाओगे तुम पुलिस में भर्ती। हाँ आजकल कौन किसी साथ काम कराता है, ये तो ऊपर वाले का करम है जो हमारा लड़का हमारे साथ काम करता है। हाँ ये बात तो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा तो तुम लोगों पर बहुत है। और बाकी तुम बताओ अपना कुछ लेन देन, दहेज वगैरह वगैरह कुछ? क्या दहेज? दहेज नहीं चाहिए हमको, आप हमें लड़की दे देना यही बहुत है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अरे भैया एक बात समझ में नहीं आ रही हमें, आप लोगों का गाँव तो बहुत बड़ा है पर गाँव का कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है। अरे भैया हम तुम्हें क्या बतावें, कि भाड़ू गांव वाले सब जरा हैं हमसे। अच्छा भैया पर ऐसा क्यों है? अरे भैया हम बताते हैं तुम्हें। हाँ बताओ। ये गांव वाले हैं ना, ये हमारे बाहर को हड़न को फिरते हैं। ना चुप रहा है तू, तुझे तमीज नहीं है मेहमानों के सामने कैसे बात की जाती है? अरे भैया तुम रहने दो, बिल्कुल तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें हम बतावें। पिछले कुछ सालों से हमारे गाँव वाले हमारे बाहर को हड़न को फिर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का ऐसा करम है आज तक कोई कर कुछ ना पाया, जैसे हैं वैसे हैं देखो। और बाकी तो हमें तुम्हारा लड़का ठीक लगा। बाकी तुम इनके बाहर देख लो, इससे अंदाजा लगा लो, आज तक इनको कोई बाहर नहीं फिर पाया कोई। अरे आज तक तो हमारे कोई बाहर ना उखड़ पाया, अगर ना मानो तो हमारे बाबूजी को देख लो। हाँ सही बात भैया, तुम्हारा कोई ना उखड़ पाया है। अब तुम टेंशन मत लियो कतई। अरे ना 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 कैसी बात कर रहे हो यार, विधायक विधायक एमएलए एमपी ऊपर वाले के क्रम से जय बरात में दिखेंगे सब, जय बरात में। हाँ बिल्कुल। हाँ अपने रिश्तेदार बन गए तो सभी लोग आएंगे। अरे फिर क्या बात है, फिर तो मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ, हमारे ऊपर ऊपर वाले का क्रम है। राजा हमने सुना रिश्ते वाले आने को थे। क्या रिश्ते वाले आने को थे? हाँ रिश्ते वाले बैठे है। हम समझ रहा कोई कबाड़ी कबाड़ो खरीदने ना हो तुम्हारी। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, तमीज नहीं है तुम्हें? और तमीज हो, अकल बेच के खाली क्या? अरे चाचा घर के गांव में आओ ना कर तो, पहले नहर में फिरा जा तो, बोतले बीन तो भाई की तरह लग रहा था, हमने कह दी। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? ठीक है फिर तुम बैठो, हम बाजार जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजाम कर लें। अरे नहीं भैया इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे थोड़ी देर लगेगी। अरे मुझे गाड़ी नहीं चला मिलती, आओ बेटा चलना मेरे साथ। चलो ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी। अरे इतनी देर से बैठे बैठे पेट में गैस, तो ऐसा करो बीड़ी का बंडल लिया। अरे रहने दो, तुमने अपने पास लिया कुछ? अरे ले जाओ ले। अरे नहीं रहने दो, मैं ले आऊं।
हेलो, हाँ क्या कह रहे बताओ। हम रजा के यहाँ आए हुए, आज इनके रिश्तेवार आए गांव में, सबकी बरात रहे होंगे, रजा रह गए रडुए। हर बार आते रिश्तेदार लौट जाते हैं, आते रिश्तेदार लौट जाते हैं, कह ना सकते भैया। देखो आज बढ़िया लग रहा है रिश्तेदार, आ रहे हम थोड़ी देर में, रुको तुम, सही है? ठीक ठीक ठीक। अरे भैया तुम क्या इसी गांव के रहने वाले हो? गांव के जाओ, घर हमारो है, पीछे आ रो पड़ोसी हम इनके। अच्छा अच्छा, तो हमें लग रहा तुम रजा के दोस्त हो गए। चड्डी में खेले हम रजा के साथ, दोस्त है हमारे, लंगोटिया यार कटाई। तो बताओ कुछ हमें लड़का के बारे में, कैसा? लड़का के बारे में कछु मत पूछो, एक नंबर कटाई, बहुत बढ़िया लड़का भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर है कटाई। अच्छा अच्छा, अब आजकल थोड़े बहुत नशा सभी कर लेते हैं। मान लो तुमने बीड़ी मंगाई अभी, दो चार दम बहू मान लेते हैं, कहू कदार गांजे की। 7 दिन में 4 बार पी लेता है, तब तो कौन सी बड़ी बात है? सो तो है लड़का, ऑर्डर जो बहुत बढ़िया है, एक नंबर, लड़का में कोई कमी ना है, ले आए। देखो ऐसा है, बीड़ी से धसा बहुत लगता है, गर्मी भी बहुत हो रही है, घाटी बिल्कुल सूखी रहती है, तो तुम ऐसा करो ये बीड़ी लौटा रही आवो। लौटा रही आवे? हाँ, और सिगरेट ले आवो। और कोई तो दिक्कत ना है लड़के में? दिक्कत दिक्कत है तो बाबू, इलाज हो है। इलाज हो है मतलब? मतलब लौड़ा को टीवी है, इलाज चल रहा होगा 3 महीने से, डॉक्टर का और 10 दिन में टनाटन हो जाएगा। लड़का में कोई कमी ना कर रही है, देखो हम लोग पहले बता रहे हैं, लड़का में कोई दिक्कत, लड़के में कोई दिक्कत ना, ले आए। अरे तुम्हें तो कोई दिक्कत ना आए, दूंगा धक्कड़ से। दिक्कत दिक्कत के बाद हम तुम्हें बता रहे, एक दिन हम बरेली से दिल्ली जा रहे, एक मास हमारे सामने वाले सीट पर आके बैठ गए, सच्चा टाइप, उनने लिकाड़ी बीड़ी और लगाई है जो फूल के हमारे मुंह पर धुआं मारो है। हम जा रहे हो खानी सीट, जानो दिल्ली पहुंच गए जयपुर, तो इनसे पूरे 4 घंटा बाद होता हूँ हमें। अरे ये तो गजब है, क्या गजब है क्या, हमारा नशा हो जाए इन चीजन से, हम ना पीते पाते ये चीजें। तो फिर ऐसा करना है, सिगरेट नहीं पियेंगे, इन्हें दिक्कत हो दूंगा से, तुम ऐसा करो पुड़िया ले आओ जाके। अच्छा तो पुड़िया खा लो, जाओ दिल चाहते भैया पुड़िया ले आओ मेहमानों के लिए। अरे नहीं नहीं, ये गांव के आदमी है और हम भी अकेले बैठे हैं, तुम ही ले आओ जाके, जाओ 5 मिनट के लिए बैठे हैं, ये क्या परेशानी है। चलो लाओ तो ले आते हैं। अरे नहीं नहीं, ये रहने दो, ये हम बाद में पीने घर जाके। चलो लाते हैं। अरे भैया लड़के को टीवी है, बीड़ी भी पी लेता है, जुआ भी खेल लेता है, अरे गांजा भी पी लेता है, इसके अलावा घर परिवार तो सब ठीक है यार। कॉटन की हमारी तुम्हारी समझ में ना आ रही यार, तुम आदमी हो भाई लोग, कुछ तो गड़बड़ है, ये कहीं मेहमानों से हमारी बुराई ना करता हो, सुन के देखता हूँ। तुम्हें कपड़े बता रहे दिक्कत यार, बाके बाद में तुम कहो दिक्कत तो ना है, कोई दिक्कत तो ना है, कोई दिक्कत तो ना है, जब नंगा करने है क्या तुम खुद बताओ, ज्यादा अच्छी तो तुम अपनी बहन के सब गरीब ही कर दो, खुश रहे। सही कह रहे हो तुम यार बिल्कुल। अब आई बात तुम्हारे समझ में, इनके कहने कसम ना भैया, ये तो ऐसे हैं खाली पुटपटा दो ढोल, समझ में आई तुम्हारे, और वो बिचौलिया बता रहे हो तुम्हें, चार चार ट्रैक्टर नंगा के हैं, इनने खड़े करे लोगों से मांग मांग के तुम्हें दिखाने के लिए। अच्छा हाँ ना, इनके है का क्या समझ रहे तुम, और तुम कह रहे थे घेर की बात, जो घेर इनको है, इनको चच्चा है एक रड़ुआ, रड़ुआ खानदान सारो, बाको घेर है जो मानो कल वहाँ के बीबी बच्चा हो गया, भाई बारात हो गई ढोके से, कल पानी ले लो, कर जाए कुछ रजा कने कहा जा कने। सही कह रहा हूँ तुम बिल्कुल, अब बता रहा हूँ वो घर घर तुम एक गिलास पानी पी कर दिखा दियो, कट रही है तुम्हारी हिम्मत मान जाए, जब तुम्हारी बहन को मामलो ना हो तो कट दिया, हम तुम्हें एक बात ना बताते, तुम्हारी बहन हमारी बहन, लड़की बारो मामलो है जय मारे बता रहे तुम्हें, समझ में आई ना, तुम कहूँ करो, बाकी कोई दिक्कत ना, लड़का बहुत बढ़िया। हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता तोड़वाए कौन देता है, भैया तुम्हें कोई कमी ना यार, हम तो रिश्तेदार से यही करे, लड़का तो बहुत बढ़िया है यार, लड़का है टीवी तो है, टीवी क्या VCR ना तो को CD तक ना यार, हमारा रिश्ता क्यों तोड़वाता है, चलो बैठो बैठो बैठ 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 के बात।
तुम सब छोड़ दो हमें, इस साले का सिर अभी हम फाड़ देते हैं। भैया रहने दो अभी, हमने ऐसे ही पुलिस में थोड़ी फॉर्म भर दिया है। अरे हम सब समझ रहे हैं। अरे भैया तुम जाओ यार, तुमने सारी खीर फैलाई नहीं यहाँ पे, दबे पैर निकल लो यहाँ से। क्या हो गया था बेटा? ये साला भैया से बुराई कर रहा था हमारी। हम तो पहले ही सोच रहे थे जब ये आया है तो कोई ना कोई रहता फैलाएगा, वो फैला के चला गया। अरे भैया हमें तो आपका लड़का भी पसंद है और घर परिवार भी पसंद है, कोई टेंशन फिक्र वाली बात नहीं है। साला बेइज्जती कराने आया था, कोई नहीं बेटा तुम खुश हो जाओ, रिश्ता पक्का हो गया। रिश्तेदारो लड़का में कोई कमी ना है, जा ससुर में एक कमी है, जाकी सेटिंग चलता है दमरुआ की लौंडिया के संग। अरे तेरी भाड़ू थी।